चलिए, आप सभी का स्वागत है इस लाइव लेक्चर में। तो गुड इवनिंग टू ऑल, और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, कल हमने पढ़ाया था आपको रेक्टिफायर क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने कल देखा था कि रेक्टिफायर में कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम जो था, वह ब्लॉक डायग्राम हमने इसका कल देखा था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, आपको एक बेसिक परिभाषा समझ में आई होगी सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर की, कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है। जो एसी वेव होती है, एसी वेव के इस एसी वेव के केवल हाफ वेव पर ही काम करता है ना। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, वह केवल इस हाफ वेव पर ही काम करता है, जिसके कारण हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट कम होती है। इसके आउटपुट जो है वह काफी कम हो जाती है, क्योंकि आधी वेव जो है एसी की, आधी वेव तो आउटपुट में पहुंच ही नहीं रही है वाली। तो इसके कारण क्या होगा, आउटपुट बहुत कम हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि आउटपुट कम होने के कारण जो हाफ वेव रेक्टिफायर्स हैं, इनकी इफिशियंसी 40.6%। ठीक है, कल मैंने आपको 46% बताया था, जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, 40.6% जो है, 40.6% ये एक्यूरेट। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो 40.6% जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी होती है। अब देखिए, इतनी कम इफिशियंसी पर काम करने की वजह हम इस सर्किट को सुधार सकते हैं ना। तो इसमें हमने क्या किया कि हम ऐसा सर्किट बनाते हैं कि जिसमें दोनों वेव्स, ये नेगेटिव या नीचे वाला वेव्स जो है, इस वेव के जो यह वेव है, यह वेव भी हमें आउटपुट में अवेलेबल हो जाए, ऐसा कुछ हमें सर्किट में अरेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक अन्य प्रकार का रेक्टिफायर बनाते हैं जिसमें ये दोनों हाफ वेव्स का इस्तेमाल होता है, या यूं कहें कि ये पूरी जो फुल वेव है, इस पॉइंट से स्टार्ट होकर के जो ये वाला पॉइंट आखिरी नेगेटिव यहाँ पर आता है, तो इसको हम एक सिंगल वेव बोलते हैं या फुल वेव कहते हैं। तो इस फुल वेव पर काम करने वाला एक रेक्टिफायर बनाते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये आपको यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या अंतर होता है। पहला अंतर होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर केवल हाफ वेव पर ही काम करता है, जबकि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, वह दोनों हाफ साइकल्स पर काम करता है, यानी कि वह पूरी फुल वेव को आउटपुट में बदल देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग बनाते हैं, इस फुल वेव रेक्टिफायर की जो इफिशियंसी होती है, वह 81.2% होती है। ठीक है, तो यह आप लोग याद रख सकते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए जो फुल वेव रेक्टिफायर है, यदि फुल वेव रेक्टिफायर से आपको 81.2 वाटेज यदि सप्लाई करना है, इतने वाट यदि बनाना है, तो इसके लिए हमको कम से कम 100 वाट देना जरूरी है, यानी कि बाकी का जो 18.8 वाट है, यह हाफ वेव रेक्टिफायर में भी लॉस हो जाता है। जबकि हम वहीं अगर इस जो हाफ वेव रेक्टिफायर को देखें, ये फुल वेव रेक्टिफायर में इतना नुकसान होगा 18.8 वाट का, वहीं यदि फुल वेव वहीं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, तो इस हाफ वेव रेक्टिफायर में 49.4 वाटेज का इसमें लॉस हो जाता है। ठीक है, यदि 100 वाट हम देते हैं, तो यदि देते हैं, सॉरी, 59.4 वाट का यहाँ पर नुकसान हो जाता है, आउटपुट में केवल आपको 40.6 वाट ही बचता है। ठीक है, तो
तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसकी इफिशियंसी कितनी कम होती है, कितना ये इनिफिशियंट होता है और पावर का कितना ज्यादा ये लॉस करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इस हाफ वेव रेक्टिफायर को हम मॉडिफाई करते हैं, यानी कि इसे हम लोग और डेवलप करते हैं और डेवलप करके एक दूसरा सर्किट बनाएंगे। तो चलिए दूसरा सर्किट यानी कि फुल वेव सर्किट बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से फुल वेव सर्किट को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला मेन डिफरेंस जो आता है कि हम लोग एक सेंटर ट्यूब्ड जो सेंटर ट्यूब्ड एक सेंटर ट्यूब्ड ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, ठीक है। हम एक सेंटर ट्यूब ट्रांसफार्मर का इसमें यूज करेंगे। तो सेंटर ट्यूब ट्रांसफार्मर देखिए मैं बना करके बताता हूं। जैसे यह हमने ट्रांसफार्मर बनाया, अब इस ट्रांसफार्मर में यह हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। यह जो है इस तरफ जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी साइड, और ये दूसरी तरफ जो है यह सेकेंडरी साइड है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो यहाँ आप लोग याद रखें एक प्राइमरी साइड होती है और एक सेकेंडरी साइड होती है। और इस ट्रांसफार्मर में देखिए जो कल हमने ट्रांसफार्मर यूज किया था वहां पे इस तरह का ट्रांसफार्मर यूज किया था कि जिसके प्राइमरी साइड में भी दो टर्मिनल थे और सेकेंडरी साइड पर भी दो टर्मिनल थे, ठीक है। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर में जो है केवल दो ही टर्मिनल होते हैं आउटपुट साइड में और इनपुट साइड में। लेकिन इसके अलावा एक अन्य प्रकार का ट्रांसफार्मर भी हम लोग बना सकते हैं जिसमें यहाँ बीच में से भी एक टेपिंग ली जा सकती है, ठीक है। तो जो बीच वाली ये टेपिंग होती है इसको हम सेंटर टेप कहते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, इसको हम लोग सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कहते हैं, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये आप टर्म्स जो है अच्छे से याद रखें क्योंकि ये मेन डिफरेंस होता है। जहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग केवल एक सामान्य ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे थे, वहीं यदि फुल वेव रेक्टिफायर की बात की जाए तो यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग सेंटर टेब ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि जब हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का कंपेरिजन किया जाएगा, जब इनकी दोनों की तुलना की जाएगी तो यह एक मेन डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ जो ट्रांसफार्मर हमने लगाया हुआ है, इस ट्रांसफार्मर में ये बीच वाली जो टेप है, बीच वाली जो टर्मिनल है, ये जीरो वोल्टेज पर होती है, ठीक है। यदि मान लीजिए जैसे जब जब ये प्राइमरी साइड पर, यहां प्राइमरी साइड पर जब ये वोल्टेज इस तरह से फ्लक्चुएशन चल रहा है क्योंकि एसी है, तो ये जब ये वोल्टेज जो है यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल चल रहा होता है, ये जो पॉजिटिव साइकिल चल रहा होता है, इस पॉजिटिव साइकिल के दौरान ये जो ए साइड है टर्मिनल की, ये ट्रांसफार्मर की, यह पॉजिटिव होती है और ये जो सेंटर टेप है यह जीरो वोल्टेज पर होगा। इसी के साथ साथ जो यह जो बी साइड है, अब ये बी साइड जो है यह नेगेटिव पर होगी, ठीक है। ये बी साइड जो है यह नेगेटिव होगी, ये बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब ये नेगेटिव साइकिल आता है, जब नेगेटिव साइकिल आता है तो नेगेटिव साइकिल के दौरान टर्मिनल्स जो है वहां बदल जाते हैं, टर्मिनल्स बदल जाते हैं, यानी कि ए साइड अब नेगेटिव हो जाएगा
और जो बी साइड होती है, टर्मिनल बी होता है, वह पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब जब ए टर्मिनल पॉजिटिव है, मतलब ये ऊपर वाला हाफ साइकिल चल रहा है, ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल जब काम कर रहा है ना, एसी में जब पॉजिटिव साइकिल काम कर रहा है, उस समय ए साइड पॉजिटिव होती है और बी साइड नेगेटिव होती है। बी साइड नेगेटिव होती है, इस समय देखिए सर्किट में जो वेव्स हैं वह किस तरह से बनेगी, वह वेव्स इस तरह से बनेगी, यानी कि ए साइड के लिए इस तरह से यहाँ पॉजिटिव साइकिल इस पर काम करेगा, वहीं बी साइड में भी एक वोल्ट एक वेव शेप बनता है, वहीं बी साइड जो है, ये जो बी साइड आपको दिख रही है, यहाँ बी साइड पर भी एक ऐसी वेव बनती है जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है ना। ठीक है, इस तरह से तो ये जो है नेगेटिव होती है, जबकि मेन साइकिल जो है, मेन साइकिल के में यहाँ पर पॉजिटिव वेव चल रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब बी साइड अगले हाफ साइकिल में जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये बी साइड में जो वेव बन रही है वह पॉजिटिव साइड में आने लगेगी, और इसके बाद जो ए साइड थी, ए टर्मिनल था ट्रांसफार्मर का, वह ए टर्मिनल नेगेटिव की ओर चला जाएगा, ए टर्मिनल इस तरह से नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अंतर, की ये जो दोनों वेव्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस जो है वह 180 डिग्री का डिफरेंस जो मैंने बताया आपको, तो वह डिफरेंस किस लिए आ रहा है, वह डिफरेंस आता है ये ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स होती है, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हम इस तरह से करते हैं कि इन दोनों में, दोनों ही जो वाइंडिंग उत्पन्न होती है उसमें करेंट तो सेम मैग्नीट्यूड का होता है, लेकिन वह 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर उत्पन्न होता है। तो यह बात आप लोग ध्यान रखें कि इस तरह से जो वेव शेप दिख रही है आपको, ये दोनों जो वेव शेप यहाँ पर बन रही हैं, ये किस कारण से बन रही हैं, ये ट्रांसफार्मर के कारण है, ये ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टीज के कारण हो रहा है। ठीक है, तो यह बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अब इसके बाद इतना आपको समझ में आया होगा तो इस फुल वेव रेक्टिफायर का आपको पूरा वर्किंग बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पेस क्लियर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो हाफ वेव जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हम इस फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड ऐड कर देते हैं, एक डायोड D1, ये D1 डायोड हमने इसे D1 नाम दे देते हैं, और यह D1 डायोड को हम टर्मिनल ए से कनेक्ट कर देंगे, वहीं एक डायोड जिसे D2 नाम देते हैं, इस D2 डायोड को हम बी टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ बीच में जो भी आपका लोड लगाना है, आपको लोड लैंप लोड हो सकता है, कोई भी सर्किट हो सकता है, ट्रांसफार्मर, जो ट्रांजिस्टर, FM, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जो DC पर कार्य कर रहा है वह लोड आप यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, देखिए एक साइकिल में D1 कंडक्ट करेगा, तो D1 के थ्रू इसको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, और सप्लाई किस टर्मिनल किस तरफ से जाएगी, ये मान लीजिए एक एक्स टर्मिनल इसे हम नाम दे देते हैं, तो सप्लाई एक्स से वाई की ओर जाएगी, क्योंकि यह जो टर्मिनल आपको नजर आ रहा है यह कितने पे है, 0 वोल्ट पर है ना, ये टर्मिनल 0 वोल्ट पर है वाई वाला, तो देखिए इसमें करंट किस तरफ से बह रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल था शुरू का, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, तो एक समय में इसमें टर्मिनल जो करंट है वह एक्स से वाई की ओर बह रही है। अब देखिए डीसी के लिए क्या आवश्यक है कि ये करंट हमेशा एक्स टर्मिनल से वाई टर्मिनल की ओर ही बहे। अब देखिए अनादर हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, जो अगला हाफ साइकिल आएगा उसमें
बी टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, और बी टर्मिनल पॉजिटिव होने के कारण यहाँ डी टू कन्वर्ट करेगा, और डी टू कन्वर्ट करने के कारण डी टू को हम यहाँ से जोड़ देते हैं ये लोड को, तो क्या होगा कि ये डी वन तो बंद है, अब ये जो टर्मिनल है एक्स टर्मिनल डी टू के कारण पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाई टर्मिनल जो है जीरो वोल्टेज पे होने के कारण करेंट जो है वह वापिस से एक्स से वाई की ओर फ्लो होगी। ठीक है, इसे चलिए हम लोग थोड़ा वेव्स बना करके और आपको अच्छे से समझाते हैं ताकि आपको डिटेल में थोड़ा समझ में आए। ठीक है, तो चलिए मैं पहली कंडीशन लेता हूँ, पहली कंडीशन की बात करता हूँ जब कि डायोड, देखिए हम ट्रांसफार्मर बना लेते हैं ताकि ये हमने ट्रांसफार्मर बना लिया, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर हमने बनाया। ठीक है, अब हम पहली कंडीशन ले रहे हैं, पहली कंडीशन में जो ऊपर वाला टर्मिनल है वह पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, बीच वाला टर्मिनल जीरो पर है, और यह वाला टर्मिनल जो है वह नेगेटिव है इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला का ये वाली कंडीशन जब हम लोग ले रहे हैं तो देखिए आप लोग ये जो फर्स्ट डायोड है, फर्स्ट डायोड का जो पी टर्मिनल है, ये पी साइड जो है, यह पी साइड किससे जुड़ेगी, ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो ये पी साइड पॉजिटिव हो जाएगी, और ये जो ये एनोड है इसका, ये एनोड जो है इसे हम किससे जोड़ देते हैं, लोड के थ्रू, ये बीच में लोड लगा हुआ है और इस लोड के थ्रू हमने इसे यहाँ पर जो है ये जो जीरो वोल्टेज है इसको यहाँ पर लोड के थ्रू, क्योंकि लोड जो है एक तरह से शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो ये जो डायोड है इसको यहाँ से जो है ग्राउंड हमने कर दिया, जीरो वोल्टेज दे दिया। अब ये डायोड क्या करेगा इस कंडीशन में, इस डायोड में से करंट फ्लो होगी, है ना, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड में से करंट फ्लो होगी, वह जो है ये प्लस वोल्टेज से इस जीरो वोल्ट यानी ग्राउंड की तरफ बहेगी, और यहाँ पर चूंकि ये जीरो जो है अब यहाँ पर करंट आ जाएगी, और जो दूसरी तरफ जो है ये जीरो टर्मिनल जीरो वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो इस डायोड इस लोड में करंट किस तरफ फ्लो होगी, एक्स टर्मिनल से वाई टर्मिनल की तरफ। ठीक है, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो डायोड है ये जब ऊपर वाला टर्मिनल जब ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, देखिए ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होने से क्या हो रहा है, जब ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है तो देखिए ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होने से आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर जो है डायोड शॉर्ट है, ये डायोड जो है शॉर्ट है, क्यों शॉर्ट है, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो हो रही है ना। वहीं नीचे के डायोड को यदि आप देखेंगे तो यह डी वन जो था, जो डी टू जो था यहाँ पर नीचे, ये डी टू यहाँ पर क्योंकि रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस मैंने आपको समझाया है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि डी वन जो है वह फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होगी, और डी टू जो है वह रिवर्स बायस है, यानी कि ये करंट को ब्लॉक कर देगा, है ना, करंट जो है वो यहीं पर आकर के रुक जाएगी, इससे आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से ये जो वायर है ये टूटा हुआ है, अब वायर टूटा हुआ है तो इसको तो आप ओपन सर्किट है, इसे किसी तरह से कंसिडर करने से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ किसी प्रकार की कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो पूरी की पूरी करंट कहाँ से फ्लो हो रही है, पूरी की पूरी करंट जो है वह डी वन से होते हुए फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अभी जो करंट है इस सर्किट में वह एक्स से वाई टर्मिनल की ओर बह रही है। ठीक है, तो अब हम जो हमारी फाइनल आउटपुट है, आउटपुट के लिए एक वेव शेप बनाता हूं मैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो। चलिए ये हम लोग आउटपुट की एक वेव शेप बना रहे हैं, तो अभी देखिए अभी क्या हुआ, D1 ने कंडक्ट किया। ठीक है, तो जो ये वेव जो पॉजिटिव वेव आई थी ट्रांसफार्मर के इस तरफ में, ट्रांसफार्मर के इस तरफ हमने जब पॉजिटिव वेव लगाई, जो एसी साइकिल है जब पॉजिटिव वेव आई तो ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये जो वेव शेप थी हमें ये कहाँ मिल गई, आउटपुट में, ये डी वन अभी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है,
अब क्या होगा, देखिए अगले हाफ साइकिल के बाद ये जो सप्लाई है ये सप्लाई नेगेटिव हो जाएगी, और जब सप्लाई नेगेटिव जाती है तो ये ट्रांसफार्मर इस तरह से बनाया गया होता है कि इसका इसका ये जो बी टर्मिनल है ये सप्लाई की नेगेटिव साइड के लिए, नेगेटिव वेव के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पोलरिटीज जो है वह चेंज हो जाएगी, अब टर्मिनल्स जो है वह चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, अब ये ग्राफ बदल जाएगा, वो ग्राफ जो है वह D2 के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से D1 के लिए नेगेटिव हो जाएगा। ये D2 जो यहाँ नीचे लगा हुआ है, ये D2 जो है ये D2 के लिए, इस D2 के लिए अब ग्राफ जो है वह पॉजिटिव हो चुका है, ये पॉजिटिव हो चुका है, और ऊपर ऊपर जो वेव बन रही है, ऊपर जो D1 लगा रखा है हमने, ये D1 जो है वह नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसे हम बना करके बता देते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये नेगेटिव हो जाएगा, जबकि ये बीच वाला पॉइंट तो जो है न्यूट्रल पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से निकाला गया पॉइंट है, तो ये जो है न्यूट्रल पर रहता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में जो ऊपर वाला डायोड है D1, वहां तो रिवर्स बायस हो गया, तो रिवर्स बायस हो गया यानी कि वह कंडक्ट नहीं करेगा। अब ये कंडक्ट नहीं कर रहा है जो डायोड है, अब यह कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो इसे हम लोग यहां से हटा सकते हैं। ये देखिए इसे हमने यहां से हटा दिया, क्योंकि ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। अब ये तो काम ही नहीं कर रहा ना, ये तो नेगेटिव बायस हो गया है, अब नेगेटिव में या रिवर्स बायस हो गया है, रिवर्स बायस में ये डायोड D1 काम करेगा ही नहीं, है ना। D1 जो है वह रिवर्स बायस है, लेकिन नीचे देखिए आप लोग, नीचे जो डायोड लगा हुआ है, ये जो यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ था, इसे हम फिर से बनाते हैं, और ये जो डायोड है, देखिए यह वाला डायोड जो है, अब क्या होगा, इस नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान, यहाँ पे जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, इस नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान यह जो है पॉजिटिव हो जाता है टर्मिनल, नीचे वाला जो बी टर्मिनल है यह पॉजिटिव हो जाता है, और इस टर्मिनल के पॉजिटिव होने के कारण ये जो डायोड D2 है यहाँ पर, ये जो D2 है ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस होने के कारण करंट कहाँ फ्लो होगी, डायोड के बी टर्मिनल से जो लोड है जुड़ा हुआ है, इस लोड में एक्स से वाई टर्मिनल की ओर करंट बहेगी। तो देखिए लोड में अभी भी करंट किस डायरेक्शन में बह रही है, एक्स से वाई की ओर, यानी कि हम जो ग्राफ बनाएंगे वो किस तरह आएगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान भी जो ग्राफ आएगा वो किस तरह आएगा, वो ग्राफ आएगा ऊपर ही, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर D2 कंडक्ट हो रहा है, तो इस तरह से देखिए हमने क्या किया, जो दोनों वेव से हाफ वेव थे, ये पॉजिटिव वाला और इधर नेगेटिव वाला, दोनों ही हमें आउटपुट में यहाँ पर अब मिल गए हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपने देखा कि दोनों जो वेव्स हैं, दोनों हाफ वेव्स जो हैं वह इस्तेमाल में यहाँ पर लाई जा रही है। इस तरह से फिर अगले हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव में फिर D1 कंडक्ट करेगा, फिर नेगेटिव साइकिल में D2 कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि बारी बारी से प्रत्येक साइकिल में D1, प्रत्येक हाफ साइकिल में D1 D2 फिर D1 D2 इस तरह से कंडक्ट करेंगे, और हमारे पास पूरे साइकिल के लिए, पूरे फुल साइकिल के लिए यहाँ पर पल्सेटिंग DC अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सर्किट है, इस सर्किट में आप पूरे फुल वेव का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और इसी कारण से यहाँ पर जो इफिशियंसी होती है वह 81.2% इफिशियंसी इस सर्किट में हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ये जो सर्किट है अभी, ये सर्किट हमें इफिशियंसी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी इफिशियंसी दे रहा है, 81.2% इफिशियंसी हमें यहाँ मिल चुकी है,
लेकिन इसके बावजूद भी अभी इसमें कुछ खामियां हैं। ठीक है, यहाँ पर 81.2% इफिशियंसी तो आपको मिल चुकी है, लेकिन इतना इफिशियंट होने के बावजूद भी इस सर्किट में कुछ हानियां हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ी हानि क्या है, इसमें आपको एक सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर का यूज करना पड़ रहा है ना। कि सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर जो है, सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर जो होता है, इसके साथ कुछ समस्याएं जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो यदि आप मान लीजिए सर्किट में कोई सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर यदि यूज करते हैं, जो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में भी बताया है कि यदि मान लीजिए आप इस प्रकार का कोई सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जिसमें यहाँ पर तीन टर्मिनल्स हों, ठीक है, तो इस सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जो बीच की आप जीरो वाली टेप लेकर के आते हैं, ठीक है, वाइंडिंग जब बनाते हैं तो वाइंडिंग इसकी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एग्जैक्टली जो कैलकुलेट करना कि कहाँ पर आपको जीरो वोल्ट मिलेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है, इसमें एग्जैक्टली जीरो पॉइंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, एक यह कारण है। इसके साथ साथ जो ट्रांसफार्मर है वो थोड़ा बल्की हो जाता है, यानी कि थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। तो सर्किट में जो ट्रांसफार्मर है हम यूज करते हैं उससे आपकी पावर सप्लाई का साइज डिपेंड करता है, तो जो भी डिवाइस आप लोग बना रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप बना रहे हैं, उसका साइज जो है वह बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पर एक बात और आप लोग ध्यान रखें कि जो इस तरह के फुल वेव रेक्टिफायर्स होते हैं, इनमें जो डायोड यूज करने होते हैं हमें, इसमें डायोड की जो पीआईवी है, इस डायोड की जो पीआईवी है वह हाफ वेव रेक्टिफायर के पीआईवी की तुलना में दोगुनी होती है। यानी कि उदाहरण के तौर पर यदि किसी हाफ वेव रेक्टिफायर में आप डायोड यूज कर रहे हैं और वहां पर जो पीआईवी का मान है वो वीएम यूज कर रहे हैं, तो जो फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में सेम इनपुट के लिए, सेम इनपुट वेव के लिए जो डायोड का पीआईवी होगा वह 2 वीएम होगा, दुगना हो जाएगा। क्यों दुगना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा क्लियर करके मैं बताता हूँ। इसके ड्रॉबैक्स आपको देखिए जानना बहुत जरूरी है। जो हाफ, जो फुल वेव रेक्टिफायर है इस तरह से सेंटर टेप्ड वाला, इसके आपको ड्रॉबैक समझ लीजिए, क्योंकि जब आप ड्रॉबैक समझेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग आखिर फुल वेव रेक्टिफायर जो ब्रिज वाला आप बनाने जा रहे हैं तो आखिर उसे हम बनाए क्यों रहे हैं, है ना। वरना आप लोग को लगेगा कि जब एक तरह से हम लोग बना चुके हैं आखिर एक तरह से हम सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर से जब फुल वेव रेक्टिफायर बना ही चुके थे तो फिर आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब पॉजिटिव साइकिल, जो सप्लाई का पॉजिटिव साइकिल चल रहा है ना, तो पॉजिटिव साइकिल में ये वाला बिंदु किस पॉइंट पर होगा, ये पॉजिटिव वीएम पर होगा, वहीं ये दूसरा वाला किस पर होगा, ये नेगेटिव वीएम होगा, है ना, क्योंकि इनकी दोनों की तरंग दैर्ध्य जो जस्ट उल्टी होती है, इनकी दोनों की तरंग दैर्ध्य जस्ट उल्टी है। तो देखिए क्या हो रहा है, अब ये वाला डायोड तो पूरा कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है आपका, है ना, ये वाला डायोड पूरा कंडक्ट कर रहा है यहाँ पर करंट, तो इसके अक्रॉस तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। आइडियल कंडीशन में पूरा वीएम कहाँ आ जाएगा, पूरा पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो डायोड है, यहाँ जो डायोड लगा हुआ है, तो इसका ये टर्मिनल कितने वोल्टेज पर है, पॉजिटिव वीएम पर है, और ये वाला टर्मिनल कितने वोल्टेज पर है, ये नेगेटिव वीएम पर है, तो इसके अक्रॉस जो दोनों का वोल्टेज डिफरेंस कितना है, इसको कितना वोल्टेज डिफरेंस सहन करना पड़ रहा है रिवर्स वोल्टेज, तो उसके लिए आप लोग निकाल सकते हैं वीएम माइनस ये वीएम। वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, दो बिंदुओं का वोल्टेज में अंतर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों में विभव में जो अंतर होगा वही तो विभवांतर कहलाता है। तो ये पॉजिटिव पर है और ये नेगेटिव में, अब इसको घटाना है हमको, तो आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 वीएम। ठीक है, तो इस तरह से इसे, इस डायोड को अगर सुरक्षित काम करना है तो इसकी पीआईवी कितनी होना चाहिए, इसकी पीआईवी जो नॉर्मली जो हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में जो डायोड यूज कर रहे हैं उनकी तुलना में इसकी पीआईवी दोगुनी होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दोगुना रेटेड जो है डायोड यूज करना पड़ेगा, है ना, जिसकी रिवर्स वोल्टेज सहन करने की जो क्षमता है वो ज्यादा हो, ऐसा डायोड यूज करने पड़ेंगे दोनों तरफ,
जब अगला साइकिल आएगा तो ये डायोड पर रिवर्स बायस लगेगा ये वाले पर। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो डायोड यूज करने होंगे वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में यहाँ पर 2 गुना PIV वाला डायोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह एक ड्रॉबैक हो गया सेंटर ट्रिप ट्रांसफार्मर का। तो पहला ड्रॉबैक मैंने बताया था, इसमें सेंटर टेप का यूज करना पड़ रहा है जो कि आल्सो एक इसकी हानि है, क्योंकि जो इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में सेंटर टेप होती है उसको बनाना थोड़ा कठिन होता है, साथ ही साथ ये ट्रांसफार्मर थोड़ा बल्की भी होता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें। चलिए अब हम लोग इस ड्रॉबैक को कम करने के लिए अब हम लोग ऐसा सर्किट बनाते हैं जिसमें कि फुल वेव का यूटिलाइजेशन भी हो जाए और हमें इस सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का उपयोग ना करना पड़े। ये जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर हम लोग यूज कर रहे हैं ये वाला, इस सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज भी ना करना पड़े और साथ ही साथ आपको पूरी फुल वेव का आप यूटिलाइजेशन भी कर सकें। इस तरह का सर्किट हम आपको बना करके बताते हैं। इसे क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं पहले तो। ठीक है, यह हमारा ट्रांसफार्मर हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर बना रहा हूं मैं आपका। ये देखिए आपने यहाँ पर हमने बना लिया है अभी ट्रांसफार्मर इस तरह से। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर है। अब देखिए जो ब्रिज सर्किट बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रिज सर्किट में हम लोग 4 डायोड का यूज करते हैं और 4 डायोड जो है उन्हें एक ब्रिज की तरह, ब्रिज यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप में हम उन्हें मतलब चारों भुजाओं पर लगाते हैं। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप थोड़ा समझिए, समझते जाइए, थोड़ा दिखाता हूँ आपको किस तरह से हम लोग इसको। चलिए इसे क्लियर करते हैं थोड़ा। देखिए ब्रिज की तरह यूज करने का मतलब क्या होता है कि हम 4 डायोड यूज करेंगे। ठीक है, एक सर्किट बनाते हैं जिसमें हम लोग 4 डायोड यूज करेंगे। तो पहला जो डायोड है, देखिए मैं आपको पहले से डायोड बना करके बता देता हूँ सर्किट, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये एक डायोड हमने यहाँ पर लगा दिया इस तरह से, ये एक डायोड लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर एक डायोड लगा देंगे, एक डायोड यहाँ पर रहेगा, थोड़ा सा इसे जरा और यहाँ बीच में हम लोग ये जो भुजा दिख रही है आपको, यहाँ बीच में एक लोड लगा देते हैं। ठीक है, कोई भी लोड हो सकता है, ये ट्रांजिस्टर FM,
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने क्या किया, चार डायोड लगा रखे हैं, D1, D2, D3, D3 और यहाँ पर D4, ठीक है। तो इस तरह से डायोड लगाने से देखिए क्या होगा, अब ये सर्किट जो है, इस सर्किट में भी आप लोग इसे रेक्टिफायर की तरह यूज कर सकते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। चलिए तो मैं बताता हूँ आपको कि ये किस तरह से जो रेक्टिफायर है वह काम कर रहा है, ठीक है। देखिए इनिशियली क्या होगा कि इनिशियली जब यहां पर ये पॉजिटिव साइकिल आया, तो पॉजिटिव साइकिल के दौरान देखिए ये वाला सिरा पॉजिटिव में है ना, ये वाला सिरा पॉजिटिव है, ठीक है, और ये वाला सिरा जो है, ये वाला जो है यहाँ पर जीरो वोल्ट पर है। तो क्या होगा कि जब ये वाला सिरा पॉजिटिव है ना, या हम ये कह सकते हैं कि एक सिरा पॉजिटिव है, दूसरा वाला सिरा जो ये नीचे वाला है, इसे अभी के लिए फिलहाल हम इसे नेगेटिव मान सकते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला सिरा जो है टर्मिनल, मतलब ए टर्मिनल पॉजिटिव है और यह बी टर्मिनल जो है यह नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए बी, ये जो बी टर्मिनल नेगेटिव होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ए टर्मिनल नेगेटिव है, तो आप धीरे धीरे देखते जाइए कि कौन कौन से डायोड जो है वह फॉरवर्ड बायस में काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से करेंट फ्लो हुआ पॉजिटिव के कारण, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट से होने के कारण यहाँ गया, अब यहाँ से ये डायोड जो है देखिए यहाँ तक आया, यहाँ से ये डायोड जो था फॉरवर्ड बायस था, ये एक्स पॉइंट है, फॉरवर्ड बायस था। अब फॉरवर्ड बायस से क्या हुआ, ये यहाँ पर देखिए, अब अगर यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये वाला डायोड जो है यह रिवर्स बायस में है, क्यों, क्योंकि इसकी तो नेगेटिव प्लेट है ना ये वाली, तो ये तो कंडक्ट करेगा ही नहीं, करंट जाने ही नहीं देगा आगे, तो इसे मिटा दो, ये काम का ही नहीं है हमारे, तो इसे सर्किट में से निकाल दो। है ना, क्योंकि ये तो अब सर्किट में है ही नहीं, तो इसे देखने से क्या मतलब। अब इसके बाद देखिए करंट यहाँ पर आगे बढ़ा, इस लोड में से होते हुए करंट आगे बढ़ा। अब करंट जब आगे बढ़ा तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें करंट जो है, इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ ब्रिज जो है इसको मेरे को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसको ब्रिज को मैं आपको मॉडिफाई करके बताता हूँ, थोड़ा मॉडिफाई करके और इस ब्रिज को मैं आपको बना करके भी बताता हूँ। फिर अब इसके बाद देखिए ब्रिज अपना सही बना हुआ है। अब देखिए ये जब, चूंकि यहाँ इस पॉइंट पर आ गया है, तो ये दोनों पॉइंट, अब ये डायोड कंडक्ट जो है दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, है ना। अब ये ऊपर तो करंट जाएगा नहीं, इसमें से नीचे मिलना नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर रिवर्स बायस था, तो नीचे तो करंट आना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो रिवर्स बायस है ना। तो इस डायोड को भी हम लोग हटा देते हैं, ये वाला रिवर्स बायस इसको भी हटा दीजिए, है ना, क्योंकि ये रिवर्स बायस है। तो अब करंट कहाँ फ्लो होगा, अब करंट वापस नेगेटिव की तरफ जाएगा ना, क्योंकि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। तो ये करंट जो है नीचे वाला D2 जो था, ये भी फॉरवर्ड बायस रहेगा, तो यहाँ से होते हुए करंट जो है वापस चला जाएगा। तो इस तरह से करंट जो है इस एक्स टर्मिनल से वाई टर्मिनल की ओर फ्लो हो रही है, किस दौरान, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए ये जो पॉजिटिव साइकिल था, इस पॉजिटिव साइकिल के दौरान कितने डायोड कंडक्ट कर रहे हैं, एक तो D4 कंडक्ट कर रहा है और D2 कर रहा है, तो इसे लिख लेते हैं हम लोग D2 और D4, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा कि जब अगला हाफ साइकिल आएगा, अगला हाफ साइकिल कौन सा है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान ये जो टर्मिनल है इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, है ना, इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ऊपर वाला हो जाएगा नेगेटिव, ऊपर वाला हो जाएगा नेगेटिव।
तो चलिए फिर से ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं और फिर हम लोग वही क्रिया दोहराते हैं जो हमने पहले दोहराई थी, है ना। अब यहाँ पर इसे फिर से हम लोग एक बार मिटा देते हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं, इस सर्किट को हम फिर से क्लियर करके दोबारा से आपको बना करके बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको बना करके बताता हूँ। देखिए एक सर एक डायोड हमने लगाया था, वह इस तरह से लगाया हुआ था, ठीक है। यहाँ बीच में हमने एक लोड लगाया हुआ था, फिर दूसरा डायोड जो था वह नीचे की तरफ रहता है इस तरह से, और फिर यहाँ एक डायोड होता है और फिर एक डायोड इस दिशा में यहाँ पर होता है, ठीक है। एक डायोड इस तरह से होता है। तो ये एक ब्रिज सर्किट मैंने बनाया, बना करके आपको दिखाया थोड़ा से, चलिए और सुंदर बना देते हैं थोड़ा सा और इसे सुंदर बनाने की जरूरत है। चलिए ठीक है, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी, ये ठीक है। इस तरह से हमने ब्रिज बनाया था, इस तरह से ही हमने ब्रिज सर्किट बनाया था। अब देखिए जब बी टर्मिनल पॉजिटिव है और ए टर्मिनल नेगेटिव है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए करंट हम चाहते हैं डीसी में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहेगी, यानी कि अब जो करंट आने वाली है वह भी इस एक्स टर्मिनल से वाई टर्मिनल की ओर ही जाना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इस लोड के अक्रॉस, ये लोड जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इसे हम आर से दर्शा देते हैं, तो यह जो लोड आपको नजर आ रहा है इस लोड में करेंट जो है वह एक्स से वाई की ओर बहेगी, तभी हम कहेंगे कि इसमें डीसी करेंट फ्लो हो रही है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि इस सर्किट में क्या कार्यवाही हो रही है या सर्किट किस तरह से कार्य कर रहा है। तो देखिए बी टर्मिनल पॉजिटिव है, अब बी टर्मिनल पॉजिटिव होने से कौन कौन से डायोड यहाँ पर फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं और कौन से नेगेटिव हो रहे हैं। देखिए ये वाला जो डायोड है ये नेगेटिव बायस चला गया है ना, क्योंकि इसका नेगेटिव सिरा पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो अब इसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, इसे हम सर्किट में से हटा देंगे क्योंकि ये तो नेगेटिव बायस हो गया, ठीक है, इसे सर्किट में से हटा दो। अब करंट जो है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है, करंट आपकी वो इस एक्स टर्मिनल से आ गई है क्योंकि D3 पॉजिटिव है। देखिए एक तरफ ये पी साइड है इसका, पी साइड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और एन साइड जो है वह ऊपर की तरफ है, तो जो एन साइड है अब एन साइड तक करेंट पहुंच जाएगी फॉरवर्ड करेंट, है ना, क्योंकि पी साइड पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो यह करंट देखिए अब यहाँ से एक तरफ लोड में जा सकती है यहाँ से, और दूसरी तरफ ये डायोड D4 पे अगर गई तो D4 क्या करेगा, इस करंट को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि यहाँ फिर देखिए यहाँ एन साइड जो है वह अब चूंकि जो पॉजिटिव करंट एक सिरे से पहुंच चुकी है, अब पॉजिटिव करंट जो है वह इस एन जब डायोड D4 पे पहुंचेगी तो ये जो बैटरी की ये तो इसकी नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, करंट को ब्लॉक कर देगा। देखिए ये जो चीजें हैं रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस समझने से ही आपको अच्छे से डायोड की समझ में आ सकती है, और इन दोनों के लिए जब मैंने डायोड की फॉरवर्ड मतलब डायोड बायसिंग के बारे में पढ़ाया था तो मैंने वहां पर आपको बहुत अच्छे से बताया है कि डायोड किस तरह से फॉरवर्ड और नेगेटिव बायस में काम करता है। अगर कुछ बच्चों को कोई डाउट है तो वो उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वह रेगुलरली क्लासेस ज्वाइन नहीं करते हैं तो उन्हें समझने में थोड़ा दिक्कत जरूर आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए लेकिन फिर भी आप बने रहिए, आपको आप भी अगर थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम D4 जो है इसको सर्किट में से हटा देंगे, क्योंकि ये जो D4 है अब D4 तो जो क्रिया कर ही नहीं रहा है, तो इसीलिए हम लोग इस D4 को सर्किट में से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये D4 जो है वह सर्किट में से हट जाएगा,
ठीक है, डी फोर को हम लोग सर्किट में से हटा देते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब देखिए जो करंट है वह यहाँ आर हेक्स से होता हुआ इस लोड के अंतर्गत होता हुआ इस वायर टर्मिनल पर पहुंचेगा, क्योंकि लोड तो जो है वो शॉर्ट होता है, एक तरह से बहुत कम रेजिस्टेंस होता है ना। तो अब देखिए ये जो यहाँ तक करंट पहुंचा है ना वायर टर्मिनल से, और वायर टर्मिनल पे डायोड का पी साइड जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डायोड का पी साइड जुड़ा हुआ है, तो ये पी साइड जो है यह इस पर पॉजिटिव करंट आया है ना, पॉजिटिव साइकिल आया, और दूसरा सिरा जो है डायोड का वह यहाँ नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो करंट किस तरफ फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो आप लोग देखें यहाँ भी करंट जो है वह इससे आखिरी में ऊपर की तरफ नेगेटिव मिल जाएगा है ना। तो करंट जो है अभी भी लोड में किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट अभी भी इस सर्किट में यहाँ से चला इस एक्स से होता हुआ फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। माने कि करंट जो है वह फिर प्रत्येक कंडीशन में इस एक्स टर्मिनल से वाई टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है, इसीलिए ये जो लोड है इस लोड में हम लोग कहते हैं कि यहाँ डीसी करंट फ्लो हो रही है। लेकिन यह डीसी किस तरह की है, यह डीसी है पल्सेटिंग डीसी, कल भी मैंने बताया था यह डीसी कहलाती है पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। तो यह हो गया पल्सेटिंग डीसी। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से डायोड कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब नेगेटिव साइकिल जो था, ये नेगेटिव साइकिल जो था, इस नेगेटिव साइकिल के लिए भी करंट जो है वह पॉजिटिव ही है, मतलब एक्स से वाई टर्मिनल की तरफ ही बह रही है। लेकिन इस समय कौन कौन से डायोड कंडक्ट कर रहे हैं, इस समय डी थ्री और डी वन ये दोनों डायोड कंडक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर अगला जो पॉजिटिव आएगा साइकिल, तो इस पॉजिटिव साइकिल में फिर से डी टू और डी फोर कंडक्ट करेंगे। फिर अगर नेगेटिव साइकिल आएगा तो लोड के लिए डायोड डी थ्री और डी वन फिर कंडक्ट करेंगे। तो देखिए आप प्रत्येक हाफ साइकिल में, यहाँ भी प्रत्येक हाफ साइकिल जो है आपको आउटपुट में मिल रहा है ना। अब इस जो पल्सेटिंग डीसी है, इस पल्सेटिंग डीसी को जब भी आप कैपेसिटर या दूसरे फिल्टर की सहायता से इसे हम लोग शुद्ध डीसी में बदल सकते हैं। तो फिल्टर सर्किट जो है वो आपके नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये रेक्टिफायर जो है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर आपको पूरे समझ में आ गए होंगे। अभी देखिए इसमें कल मैं आपको इन तीनों को कंपेयर करके बता दूंगा, और कल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ये जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है इसके क्या एडवांटेज है। तीनों को हम लोग कंपेयर करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों में जो है क्या खामियां होती हैं और क्या इनके एडवांटेज होते हैं। सबके अपने अपने एडवांटेज हैं और कुछ नुकसान भी हैं। साथ ही साथ कल के लेक्चर में हम लोग जानेंगे इनसे रेक्टिफायर से रिलेटेड विभिन्न जो मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं, जो परिभाषाएं होती हैं, उन कुछ परिभाषाओं के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि रेक्टिफायर के लिए, रेक्टिफायर को समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। जैसे अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको मैथमेटिकली भी कुछ वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सा रेक्टिफायर जो है, किस रेक्टिफायर से कौन सा रेक्टिफायर अच्छा है या कितना अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बातें आपको अभी और बताना इस रेक्टिफायर्स के बारे में बाकी है, तो कल के वीडियो, कल के लेक्चर्स में मैं आपको बहुत सारी परिभाषाएँ बताऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर कल इसी समय पर मिलते हैं 9 PM पर। गुड नाइट।